बीजेपी से इस्तीफा देने वाले दो मंत्री और छह विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में टूटे कोरोना और चुनाव आयोग के नियम, ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की दृष्टि से ये भीड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। लखनऊ के डीएम ने कहा, बिना इजाजत के हुआ ये कार्यक्रम, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम की कि चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी की गई इस कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को वर्चुअल कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हो रहा है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को पार्टी दफ्तर भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ABP News आपको रखे आगे।